हे टाइगर, तुमको सर पूछ रहे थे। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, क्यों फ्री हो गए? यस सर, बोलिए सर, कॉमिक में जाना है, राउंड में जाना है, राउडिज्म हो, माफिया हो, कहाँ जाना है बताइए सर, कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ सर। हे, जाकर दो चाय और एक कॉफी बोल कर आ जा। जान की बाजी लगाने की बात कर रहा हूँ तो चाय लाने के लिए भेज रहा है। हे, क्या बोला? सर, विद शुगर या विदाउट शुगर सर? हे, तू पहली बार लाने जा रहा है क्या? जाकर जल्दी लेकर आ, पागल जैसी बातें कर रहा है। सॉरी सर, कुछ भी करूँ इज्जत ही नहीं करता। सर, अजीब आदमी है। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? मेरा नाम शिव है सर, और मैं मीडिया में प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ। क्राइम कब कहाँ कैसे ये आपने देखा है सर? दीवार, अग्निपथ, हेरा फेरी, अग्नि साक्षी, टाइगर जिंदा है, बस यही देखा है, और कुछ भी नहीं देखा है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिवा भाई, साहब के लिए दो चाय, मेरे लिए एक चाय बना। आजाब। ए, क्या नाम है तुम्हारा? सर, दो दिन पहले सूरज जाने वाले आउटर रिंग रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उस केस की डिटेल्स चाहिए। क्या? हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ही हुआ है सर, जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं। परसों जो मरा था उसके बारे में पूछते हुए कोई आया था क्या? अरे कभी कभी केस पुट अप होने से पहले आ जाते हैं, कभी दो तीन दिन बाद आते हैं, कभी कोई आता ही नहीं है। और बॉडी? पोस्टमार्टम के बाद सारा प्रोसीजर हम ही करते हैं। ये कैसी बात करें सर, आप लोग ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं खून करके उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की हिफाजत करना मुश्किल होता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। 11 दिन के अंदर अगर उनका कोई रिश्तेदार आईडी प्रूफ और एड्रेस बताकर लाश ले जाना चाहे तो हम उसे दे देते हैं। शिवा, अकाउंट में लिख लेना। सर, मरने वालों का आप डिटेल्स नहीं निकालते क्या? जिंदा लोगों का डिटेल निकालने में मुश्किल होती है, मरे हुए लोगों का कौन निकाले? कहीं किसी ने मिसिंग केस कंप्लेन कर दिया तो बुलाकर बॉडी की पहचान करवाते हैं, नहीं तो केस क्लोज कर देते हैं, समझ गए? यही हमारा कॉन्सेप्ट है सर, मरे हुए लोगों की डिटेल्स निकालना और उनकी बॉडी उनके रिलेटिव तक पहुँचाना। बहुत बढ़िया, अंदर जाके डिटेल्स ले लो, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी जानते हैं सर क्या है? जो इस केस को हैंडल कर रहा है वही इस प्रोग्राम का हीरो है सर। आपको देखकर लग रहा है कि आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहा हूँ मैं? आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाया, और क्या ढूंढूंगा? मुझे अपना काम करने दे, जाना। सर, इस प्रोग्राम के हीरो ही आप हैं। पुलिस में भर्ती होने के बाद भी कॉमेडी पीस बन चुका हूँ, मेरा और मजाक मत उड़ाओ, निकल लो। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, कितने लोग रोज एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो जिंदा है या फिर मर गए हैं, ये बात जब तक उनके परिवार वालों को पता नहीं चलती वो तड़पते रहते हैं सर, इसलिए सच्चाई को उनके परिवार तक पहुंचाकर उनके दुख को बांटना इस प्रोग्राम का मकसद है, इसमें पूरा इमोशन है सर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अबे मैंने तेरा कुछ खाया पिया है क्या? बाहर जाके मेरे अकाउंट में एक चाय पियो, चुपचाप अपना रास्ता ना, समझा? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर ये प्रोग्राम बहुत ही हिट हुआ तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे सर, मतलब कैंपेगोड़ा आईपीएस के रेंज में पहुँच जाएंगे सर। कोई भी दुखे इंसान आपको देखते ही अपने गले लगा लेगा सर, ट्विटर, फेसबुक और सारे न्यूज चैनल्स में आप छा जाएंगे सर। एक दिन आएगा जब फिल्मों के बड़े बड़े स्टार एक तरफ होंगे और आप दूसरी तरफ अकेले ही काफी होंगे सर। सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहा है, विश्वास करो या ना करो। सर मेरी बात को, अबे चश्मेश, सेक्सी से सेक्सी हीरोइन को देखकर मेरा दिमाग नहीं घुमा, तू तो मेरा दिमाग घुमाने पर लगा हुआ है, चल जा यहाँ से, जा जा जा। सर, आप जैसे डरपोक इंसान का नाम राजा शेर नहीं रखना चाहिए था। फिर क्या रखना चाहिए था? डरपोक शेर रखना चाहिए था सर। मैं राजा शेर नहीं, डरपोक शेर हूँ, क्या करना है तुझे? सुन, मैं ऐसे आलतू फालतू केस अटेंड नहीं करता, मेरा लेवल, मेरा रेंज, मेरा वर्किंग स्टाइल ही अलग है। सर मेरी बात को समझिए सर। सर, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, वहीं पहुंच जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। उनसे कहिए कि घबराए नहीं, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ सर। ओके सर। नमस्ते माँ जी। अपनी पिस्तौल लाए हो ना? पिस्तौल? नहीं तो। पता नहीं फिर कैसे भगाओगे, ऊपर है, जाओ देख लो। सही समय है जान की बाजी लगाने का, वो चाहे कोई भी हो, अभी जाकर बताता हूँ कि इस राजा शेर की पावर क्या है। पिस्तौल नहीं हो तो क्या हुआ, ये डंडा ही सही, आज मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। मतलब ये बुढ़िया कौओं को भगाने के लिए पिस्तौल पूछ रही थी। हाय रे किस्मत, पापड़ी सुखाने लिखे हैं। फालतू का गया गुजरा केस अटेंड नहीं करता, मेरा लेवल, मेरा रेंज, मेरी वर्किंग स्टाइल ही अलग है। अरे भाई जरा एक चाय लेना। सर, पापड़ खाएंगे या फिर भजिया खाएंगे? फटा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर पब्लिक के सामने भिखारी बन चुका हूँ मैं, सब तो हंसी रहे हैं, तू भी हंस ले। सर,
गधे को पालतू जानवरों में सबसे बेकार समझा जाता है, लेकिन जब उसका सही इस्तेमाल होता है तो उसकी ताकत पता चलती है सर। और कुत्ते को इंसान के बराबर ईमानदार समझते हैं, लेकिन उसकी सही वफादारी उसका मालिक ही बता सकता है। वैसे आप ए, तुम भले ही मुझे हीरो मत समझो, लेकिन मैं गधा कुत्ता भी नहीं हूँ, समझे? जिंदगी भर बदनामी के साथ जीने का फैसला कर लिया क्या? अरे यार ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? सर हम मीडिया वाले हैं, जब तक हम आपके साथ हैं आपका कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। तुम्हारा कहना तो मानना ही पड़ेगा। एक बार ये केस सॉल्व करके देखो सर, सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं, रेलवे स्टेशन, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, सब दूर सिर्फ राजा शेर, राजा शेर, राजा शेर का ही नाम होगा सर। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बताओ क्या करना है। ये जगह टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। हमने हर जगह पूछताछ कर ली, लोकल पेपर, लोकल मीडिया, सभी जगह न्यूज भी दे दी हमने, लेकिन जो मरा है उसे पूछने एक भी आदमी नहीं आया। मुझे तो किसी दूसरे शहर का आदमी लगता है। उसके बारे में आज भी मुझे एक डाउट है कि सच में वो एक्सीडेंट में ही मरा या कुछ खाकर गाड़ी के सामने आकर सुसाइड कर लिया उसने। सर एक बात तो साफ हो गई है कि इस केस को आपने दिल से लगा लिया है सर। थैंक्स प्यारे। कल मैं अपने चेहरे पर क्रीम लगाऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इस केस को दिल से जरूर लगाऊंगा। सर आप कितना भी क्रीम लगा लीजिए या सारा क्रीम आप पर लग जाए, फिर भी आपका ओरिजिनल कलर कभी चेंज नहीं होगा। संभाल के सर, संभाल के। कॉमेडी करो, आई लाइक कॉमेडी, लेकिन मेरी क्यों मार रहे हो? छोटा भाई समझकर मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। कानून से भागे हुए मुजरिम को पकड़कर उसका क्रियाक्रम कर देता हूँ, और जो प्यार से आता है उसे बिठाकर खाना भी खिलाता हूँ। मैं वो राजा शेर हूँ।